नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। आर्यन खान की जमानत का एनसीबी ने किया विरोध, बॉम्बे हाई कोर्ट में 38 पेज का दायर किया हलफनामा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, अमरिंदर सिंह जल्द नई राजनीतिक पार्टी की कर सकते हैं घोषणा। टीएमसी ने राज्यपाल को गोवा सरकार के खिलाफ सौंपे 2 ज्ञापन, सीएम सावंत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, रात में पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के शिविर में रुकने का करा फैसला। समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक के आरोपों को बताया गलत, बोली हमारा परिवार जांच के लिए तैयार। विब्सलोअर ने बढ़ाई फेसबुक की मुश्किलें, लगाए ऑनलाइन नफरत को अधिक गंभीर बनाने के आरोप। चीन ने भारत के साथ सैन्य गतिरोध के बीच नया भूमि सीमा कानून किया पारित, बीजिंग के सीमा विवाद पर पड़ सकता है असर। 2022 से 23 बजट पेश होने से पहले सरकार ने मंगाए नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए आवेदन। टी20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का सामना करेगी पाकिस्तान टीम, बाबर से बोले शोएब अख्तर न्यूजीलैंड टीम को छोड़ना नहीं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर हुए हमले की कड़ी निंदा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।